नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के मनमाने तरीके के विरोध में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। जिला प्रचार प्रसार प्रमुख मुकेश चौधरी जाट ने बताया कि वर्तमान में किसानों को खेती सिंचाई करने में बिजली बिल आदि में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें 9 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें बिजली विभाग द्वारा मनमाने तरीके से ट्रांसफर बदलना, किसानों के बिना उपस्थित में पंचनामे बनाकर भार बढ़ाना आदि, लोड के नाम पर अत्यधिक बिलिंग करना बंद हो, ओवरलोड ट्रांसफर को अंडरलोड किया जाए, अस्थायी कनेक्शन किसान को जितने समय हेतु चाहिए आवश्यक अनुसार देना चाहिए, किसान की मांग पर स्थायी कनेक्शन दिया जाए, चालू सप्लाई में कार्य करने के लिए परमिट नहीं लिया जाए, बंद लाइट में सुधार मेंटेनेंस कार्य किया जाए, शेड्यूल चालू होने पर बार बार कटौती करना बंद किया जाए, चलते तारों को सुचारू रूप से ठीक करना आदि निम्न बिंदुओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिला प्रचार प्रसार प्रमुख मुकेश चौधरी जाट, जिला कोषाध्यक्ष भगवान दास बैरागी, सीतामऊ तहसील अध्यक्ष मोहन लाल लोहार, मंत्री बालेश्वर पाटीदार, तहसील संयोजक नरेंद्र पाटीदार, जिला सदस्य कोमलपुरी सुमेर सिंह, खिजड़िया काचरिया जाट आदि गांव से किसानों ने सीतामऊ कार्यपालन यंत्री कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जूनियर इंजीनियर अमित शर्मा के द्वारा कार्यपालन यंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दिन में 10 घंटे 3 फेस कनेक्ट सिंचाई हेतु बिजली दी जाए एवं बार बार जो कटौती करना आदि समस्याओं को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत है। समस्याओं को लेकर किसान संघ ने ज्ञापन दिया है, इसमें 9 मांगे हैं इनकी जी। तो ये वरिष्ठ कार्यालय को संबोधित है, तो उनको ये प्रेषित कर दिया जाए, निराकरण जो हमारे स्तर पर संभव है वो भी कर। आपका शुभ नाम? अमित शर्मा। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।